हेलो, कहाँ हेलो, पे हो? आपका वेट कर रही हूँ। मेरा वेट कहाँ पे कर रहे हो? मैं आपके घर के आसपास खड़ा हूँ। मैं उधर ही हूँ, आपके अपने घर के नीचे साइड में। अच्छा, उतर हूँ। ठीक है, एक सेकंड दो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, बड़े हाँ, प्यारे लग रहे होंगे ना। वो तो आप देख के बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। पक्का? हाँ, ठीक है, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। जल्दी आइए। कहाँ पे हो, दिख नहीं रहा है? तुम्हारे घर के साइड से तो टर्न है। पति की साइड में। अरे हाँ, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। वही रुको, हाँ एक सेकेंड। हेलो मैडम, हाय सर, कैसे हो? बहुत अच्छी। आप कैसे हो? एक सेकेंड रुको ना। बड़े अच्छे लग रहे हो यार, थैंक यू। सोचा नहीं था कि आप इतने खूबसूरत दिख सकते हो। कभी कभी कुछ काम सोच से परे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ा? मैंने तारीफ के साथ साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती भी कर ली। तो क्यों, नहीं, क्यों, क्या होता है? तो मैं आपके लिए मेरी ये घोड़ी लेके आया हूँ, इस पे बैठने की कृपा करेंगे? मेरी बाइक पे? वाह, आपकी घोड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, बस करो यार, कोई बात नहीं, चलो बैठो। वैसे एक बात बोलूं, आप भी बहुत गुड लुकिंग लग रहे हो आज। हाँ, आप ही ने तो चूज किया था ना डार्क जो। कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है इतने डार्क ब्लू कलर में? जिन नजरों से आप हमें देखकर ये बात भूल रहे हो ना, उन नजरों से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि मैडम जी, मजाक बंद करो, चुपचाप से गाड़ी पे बैठो, हमको जाना है। फालतू में लेट हो जाओगे, फिर मुझे ही डांटोगे। ठीक है, बैठो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरी गाड़ी पे बैठने वाला? नहीं तो हाँ, और एक बात आपको मैं कृपा करके याद दिलाता बताइए। हूँ। आज मैंने सुबह आपको बोला था कि कोई हंसी मजाक नहीं, सो वो चीज अभी भी लागू होती है। ठीक है, प्लीज। सॉरी, ये नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो कर सकती हूँ ना, प्लीज बिल्कुल नहीं कर सकती। प्लीज, ओके, इतना प्लीज बोल रहे हो तो ठीक है। पक्का? ठीक है, चले। चलिए। हाँ जी, अच्छा सुनो ना, एक और चीज कहनी थी। एक अब क्या है? सेकेंड, यहां से निकलते हैं। आपके बाल खराब हो जाएंगे अगर मैं गाड़ी जोर से चलाऊंगा तो। टेंशन ठीक है, मत लो, धीरे धीरे सफर जो होता है वही अच्छा होता है ना? हाँ वो तो है। हाँ, सच सच बात कहूँ, हमें कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना है, ओके। यही दो गली छोड़ के ही मैंने कुछ प्लान किया। ठीक है, आप ऐसे शोल्डर पे हाथ रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो। पक्का? मैंने कहा था मजाक। ओके ओके, सॉरी। आपको पता है ना, क्या आप बहुत खूबसूरत हो, और आज हम कहीं जा रहे हैं। मैं आपको बोल दिया था कि हम लोग आज एक स्वीट सी प्यारी सी डेट पर चलते हैं, अगर आपको हर्ज ना हो तो। सो ये बात तो पता ही होगी। हाँ? ठीक है, कुछ नहीं, बस यहीं पे हैं, दो गली दूर ही है। आजा, मैं अब चले। चले चलते हैं। चलिए, 2-3 सेकंड के लिए मैं रुक गया था क्योंकि आईने में आपको देख रहा था। अच्छे लग रहा, ऑन अ आईने सीरियस नोट।
यहाँ कहाँ पर आईना है? ये दिख रहा है गाड़ी का? हाँ ओ अच्छा, उसमें जी, चले पागल कहीं की यहाँ की भी चलो। तो क्या प्लान है आज के? बैठ के बात तो कर ही सकते हैं ना कोई, मतलब बता दीजिए आपके प्लान्स, क्या सोचा है, क्या क्या करना है आज हमें कुछ तो। भाई मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आपसे एक सवाल पूछूं। जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे यानी कि डेट पे चलोगे, तो आपके माइंड में क्या क्या सवाल आए, क्या क्या बात करें, बस वो सुनना चाहता हूँ। अगर आपको हर्ज ना हो तो बता दीजिए प्लीज, बिना किसी मस्ती मजाक के। ओके यही कि साथ में हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे और और थोड़ा बहुत घूमेंगे। हाँ बस, कोई एक्सपेक्टेशंस? नहीं, हाँ पक्का? क्यों, एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए ना। नहीं, मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती किसी से। ठीक है चलो, आ गए, बात पास थे ना, मुझे पता था पैदल भी बुला लेता तो चलता था, पर आपको पहले एड्रेस बता देता तो आप मना कर देते, क्योंकि आपके घर के आसपास है और आपको कोई पहचान ना ले, इसलिए आप गुस्सा जरूर करते हैं। सो मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना बताए इसको सरप्राइज देता है ना। अब देखो मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन मुझे ये वाली जगह बहुत अच्छी लगी, इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। उतरो नीचे आराम से। हाँ सबसे पहला रीज़न ये कि प्लेस बहुत डिसेंट है, अच्छी है, और नेक्स्ट थिंग ये है आपके घर से पास है, लेट भी हो जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं हाँ, पर ये नजदीकी तो है ना ज्यादा। तो कोई बात नहीं, चले अंदर। ठीक है, बैठिए मैडम। जी तो बोलो क्या सोचा था, कुछ क्या बता तो सोचा होगा ना। तो दिया आपने? कुछ भी नहीं, नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप मतलब क्या सोचे होंगे, क्या लड़का डेट पे लेके जा रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, एक्सपेक्टेशंस रखी होगी ना, लड़कियां रखती हैं। फिर वो तो है, ज्यादा मतलब सोचा था, नहीं सोचा था, थोड़ा बहुत ही सोचा था। ठीक है तो क्या सोचा था? यही कि हम लोग बातें करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, बस वही वही सब शुरू कर दो फिर से। क्या क्या मुझे पता है क्या क्या सोचा था, मेरे पास आपके लिए कुछ है, क्या आके बंद करो, क्यों करो ना बताओ पहले। आके बंद करो, ठीक है, ओपन योर आईज। एक प्यारा सा गुलाब का फूल इस गुलाम से चेहरे के लिए। हाँ वाह, जी, थैंक यू। बट मेरे वैसे क्या पास गुलाब नहीं है आपको देने के लिए। है फिर, मैं हूं, मैंने मजाक मना किया, डबल मीनिंग वाला तो पहले बंदा है, ठीक है ना, वो सेटिंग ही ऑफ कर दिया मैंने आज, ठीक है। हाँ ठीक है। इतना कॉल पे बात करते हो मेरे से, हम दोनों एक दूसरे से, और सब कुछ सही है, मतलब मुझे कई बार फील होता है जब भी मैं आपसे बात करता हूँ कि यार आप पूरी पूरी तरह से मेरे टाइप के, राइट?
ऐसा फील होता है जैसे भगवान ने सिर्फ बनाया तुम मेरे लिए बनाया भाई। आय हाय, बस एक ओहो, प्रॉब्लम है, अब क्या? एक बड़े घर की लड़की हूँ जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल सा हूँ, है ना। तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा अच्छे हो और मैं बुरा हूँ कुछ चीजों में। नेक्स्ट थिंग ये है कि मुझे लगता है कि कैसे कहते हैं यार, ऐसे टाइम में ना बातें भी नहीं आती है दिमाग में, है दिल में सब कुछ आ जाता है बट जबान तक लाने में बहुत तकलीफ होती है, पता है आपको। हाँ, समझ सकती हूँ। कुछ खाना पसंद करोगे? जो भी आप चाह मंगा लो। वो रखा है मेन्यू, मंगा लो कुछ, मतलब बताओ मुझे क्या खाओगे, मंगा लेता हूँ। आप जो भी चाहो मंगा लो, मैं खा लूंगी। नूडल्स खाओगे हाँ, और डोसा? यस, माय फेवरेट। क्या इसमें मंचूरियन? नहीं, चिल्ली, मतलब पनीर या पोटैटो? पटेटो, और इतना बस। काफी है? इतने में पेट भर जाएगा ना आपको? अच्छा, हाँ हाँ सब कुछ तो मुझसे ही पूछ लिया, क्या बुलाना है? ठीक एक सेकंड रुको, इधर मैं आता हूँ। आता नहीं है भाई। हाँ, एक चिली पोटैटो। हाँ, नूडल्स बोला था ना। हाँ नूडल्स, शेजवान वाली कर दो बस, ज्यादा स्पाइसी नहीं। और क्या वो चिली पटाटो बोल दिया? और और डोसा। हाँ, डोसा मसाला वाला, चलो वो लेके आ जाएगा। तब तक के आप उनसे बात कर लो। आपके दिल आई मीन टू से आप क्या कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। क्या कहूँ? आपकी मर्जी, आपको देख के कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे, तो मुझे बहुत कुछ सूझ रहा है, बोलो ना। मेरा दिल सूज गया है, मुझे कैसे? दिल की बीमारी हो गई है, पता है। अच्छा, हाँ, जिसमें मेरा दिल सूजा जा रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको इतनी सारी बातें सोच रही है ना, वो समझ नहीं पा रहा है कौन सी बात पहले जुबान पे भेजू। जो आपकी मर्जी हो, आप बोल दो। सीधी बात, नो बकवास, अपने हाथ यहाँ पे रखो क्यों? रखो ऐसे सीधा, ये हाथ देखने आपको? ओके, नहीं रखो ना। कैन आई होल्ड इट? हाँ सीधी बात बोलता हूँ यार, बोलो। जिस दिन आपको पहली बार देखा था ना एंगेजमेंट में, और तब से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। आपको जब से देखा है तब से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ। लाइफ में मेरे चाहे जो कुछ चल रहा हो नहीं चल रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके नॉटी वाले कभी कभी डबल मीनिंग और कभी कभी फालतू से जो जोक्स होते हैं ना, वो मुझे हंसाते नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैं हंस देता हूँ, ताकि आपकी ये मुस्कान बरकरार रहे। सही बात बोलो तो यार, मैं कुछ और खाना है आपको? नहीं, नहीं, अरे कुछ खाना हो तो मैं बुला लेता हूँ। बोलो ना। सीधी बात बोलो तो आप मेरे दोस्त हो ना, बहुत अच्छे हैं, बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हम इतनी यस, बातें तो करते ही हैं, तो मुझे तो लगता है कि है एक दूसरे बिल्कुल। का।
सीधी बात बोलता हूँ, कितनी बार बोलते हैं पर अब तक कोई सीधी बात बोल नहीं पाया हूँ, घुमा फिरा रहा हूँ, आई एम सॉरी बट आई लाइक यू, आई रियली रियली लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और उस दिन से जब से तुम्हें देखा है तब से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, बट ये बात सच है। अब प्लीज यहाँ से उठ के मत चलना जाना, खाना बहुत ज्यादा ऑर्डर किया, मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, ठीक है? गुस्सा नहीं आया ना, नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ा ना? बहुत बड़ा। नहीं, आप इतने अच्छे हो कि आपको ऐसी बातें बहुत सारे लोगों ने बोली होगी, सो शायद कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। और देखो मुझे ना ये कोई प्रपोज वपोज एंड ऑल करते ही नहीं आता है, ठीक है? तो मुझे पता भी नहीं है, मैंने सीधा बस हाथ पकड़ा, बोल दिया और आपने हाथ खींच लिया, अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। आप अगर चाहते हो कि हम बस फ्रेंड्स रहे तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ, हेलो मैम, अगर आपको सिर्फ फ्रेंड्स रहना ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे फ्रेंड्स भी अच्छा है तो बस। नहीं, फ्रेंड्स तो हैं, अगर अगर आप चाहते हो तो कुछ और बोल सकते हो। कुछ और मतलब बेस्ट फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड्स तो मैं ही ना हूँ। हाँ, इधर देखो ना प्लीज, बुरा लग गया है मेरी कोई बात, नहीं तो पर ये उतना ही सच है जितना कि आज हम दोनों साथ यहाँ बैठे होगा कि मैं आपको लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, दिल से करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की तरह ऐसा बोलूँ कि यार तू मुझे हाँ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ऐसी है कि मुझे आप पसंद हो, आप बहुत अच्छी लड़की हो, आपकी अदाए, आपकी बातें, आपकी हरकतें, आपका रहन सहन, सब कुछ मुझे पसंद है। कोई खामियाबी होगी तो भी मुझे एक्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज में। आपके घर वालों को हो सकती है मुझसे कि मैं उतना भी सही नहीं हूँ आपके लेवल का, आई मीन मुझे ये सब नहीं पता था आपके बारे में, पर जब रिसर्च करी तो पता चला है दोस्तों की मदद से। बस एक सवाल था कि अगर अच्छे घर से हो ही तो आपको जॉब की तो कोई नीड नहीं थी, फिर भी आप कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी चीज को लेके पैशनेट होते हो, राइट? और पैशनेट हो, है ना? काम करना अच्छा लगता है, हाँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं जॉब करती हूँ। तो आई एम सॉरी ये पर्सनल सवाल के लिए, बट ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, मना आई नो दैट ये सब, बट आई जस्ट लाइक यू, अगर आपको कोई जवाब हो तो आप वही दे सकते हो। तो मैं भी बोलूँ कुछ? हाँ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना मेरे सामने, ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पे सिर्फ डर मैं रहा हूँ, आपको डर ही नहीं लग रहा आप डर रहे हो? है। हाँ डर मतलब इस चीज का नहीं कि क्या हो जाएगा, नाक कट जाएगी, कोई बात नहीं, गुलाब का फूल मुंह पे मार के फेंकोगे, एक आधा कांटा चुभ जाएगा उसका, या फिर सबसे ज्यादा नाक टूट जाएगी, नजर जाएगी, बस और कुछ नहीं। लेकिन डर इस बात का तो बिल्कुल नहीं है, डर है कि आपको कोई बात पूरी नहीं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ ना। अब सो आप मुझे भी बोलने दोगे या नहीं? हाँ मतलब बोलूँ, वैसे जब से मैंने आपको देखा उस दिन एंगेजमेंट में, मुझे भी आप बहुत पसंद हो तब से। एंड आई रियली लाइक यू। आई लाइक यू टू। आप मुझे बहुत
अच्छे लगते हो, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है आपका। आगे क्या बोलूं मैं, आप समझ रहे हो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे हाथ छोड़ोगे प्लीज? एक छोड़ना है तो क्या? हाँ मतलब पहले ही डर लग रहा है और हाथ कांप रहा है और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपको एक पल के लिए भी आज दूर करूँ, नहीं तो हाथ धोने जाना पड़ेगा ना आपको। हाँ कोई बात नहीं, तो करते रहते हैं ना प्लीज। पता है ये जो हम दोनों के बीच है, आई डोंट नो क्या है क्या नाम दे, बट जो भी हो मैं बहुत अनरोमांटिक पर्सन हूँ, पहले बता रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब। और जहाँ तक मुझे अपने बारे में पता है, एक सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हूँ। सो प्लीज अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाऊँ, जहाँ तक मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन टाइप्स हो, क्योंकि आपकी हरकत ही वैसी है, मजाक या हंसी मजाक एंड ऑल, और मैं वैसा नहीं हूँ ठीक है। आई एम सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। सो कहते हैं ना अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, बात वही है। कोई बात नहीं, मैं आपको रोमांटिक बना दूंगी। इन नजरों से मत देखा करो, क्यों? दिल में कुछ अजीब सा होता है। हाय सच्ची? वैसे ही आज दिल इतने तेजी से धड़क रहा है ना, जितने तेजी से मेरी गाड़ी नहीं चलती। तो मैं देखूं कि किस तरह का आपका दिल। नहीं मैं क्या कह रहा था, आप क्या काट के देखोगे? जाको बुलाऊं? नहीं, हाथ रख के देखती हूँ ना आपके सीने पे कितने दिन से रख रहा है नो आपका। नीड, क्यों नहीं पुलिंग प्लेस प्लीज? में यार हम, आप तो बड़े चेप हो रहे हो मजे मजाक में है। मैंने बोला था नहीं, हंसी मजाक नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, और आप इतना फ्रैंक कैसे हो मेरे साथ? नहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? आई मीन प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम क्या होगी? तो देख लो प्लीज। नहीं अच्छा मुझे ठीक है, मैं इस रिश्ते में हमेशा ये फील दिलाओगे आपकी, लड़का आप हो और लड़की मैं, क्योंकि डरूंगा शर्माऊंगा मैं आप नहीं, तो क्लियर है। हाय, आप शर्माते हुए कितनी क्यूट लगोगे आपको इतने दिनों में मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ, जब भी आप इन निगाहों से इन हरकतों के साथ और सवाज में कुछ कहते हो ना, वो ना। मजाक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ये बात जान चुका हूं मैं ठीक है। सो प्लीज पति मजाक नहीं था, आप शर्माते हो, बहुत क्यूट लगोगे ना। डोंट ट्राई टू सेड्यूस मी, क्यों? बस यूं ही यार, इट्स ओके okay. हाय लड़का कितना शर्माता है। हाय हाय शर्मा नहीं रहा हूं यार, मेरे को भाई हुआ घबरा रहे हो? कि नहीं अभी तक? हाँ ला लो यार थोड़ा जल्दी। क्या बोले आप? मैंने कहा आप घबरा रहे हो फिर ना ना तो। नाउज यार अनकंफर्टेबल हूँ, मेरे साथ ये सब पहली बार है, मैंने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी कोई बंदी बनेगी, और देख आओ लो आज आप मेरी बंदी के साथ बंधी भी बन चुके हो, है संबंधी? अच्छा हाँ बिल्कुल संबंधी क्या संबंध है फिर हमारा? पता नहीं, कुछ नाम नहीं दे सकते इसे। क्यों इलीगल है क्या, नाजायज है? फिर नहीं मैं तो पता चाहता हूँ नहीं। इस रिश्ते को पूरी तरह से जायज माना जाए। हाँ बिल्कुल तो एक और बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ, बोलिए। आई लाइक यू एंड ऑल्सो आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव फॉर यू विथ यू एंड रे क्या? रेडी हाँ क्या बात है?
कि मैं बस प्यार में गिरे जा रहा हूँ। वो गेम्स में ग्लिच होता है ना, इंसान नीचे गिर जाता है, जमीन से गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है। बस मैं आपके प्यार में ग्लिच आ गया है मेरे दिल में, जो मुझे बस आपके लिए बस प्यार में जा रहा हूँ मैं, डीप डीप। आई जस्ट लव यू, यही कहना था। मैं भी गिर रही हूँ आपके प्यार में। दोनों अगर गिर गए तो उठाएगा कौन? कोई नहीं, हम एक दूसरे को उठा लेंगे। तो पहले तो किसी को उठना पड़ेगा ना। नहीं, साथ में उठेंगे ना। अच्छा, हाँ, करके कैसे, क्या बताऊँ? गिर के फिर साथ में उठते हैं। बकवास नहीं करनी, ठीक है? वो तो अच्छा कि यहाँ ये वाली साइड में ज्यादा लोग नहीं आते हैं इस कैफे की। और मैंने ट्राई किया था आपके लिए कुछ स्पेशल सोचने का, बट मुझे नहीं मिल रहा यार। आई एम जस्ट ब्लैंक कि मैं क्या करूँ स्पेशल। मैंने कभी नहीं किया और मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, बट जो भी मैंने किया है वो दिल से किया है। बस यहाँ पे आपको बुला के और ये बात बता के और एक छोटा सा प्यारा सा गुलाब का फूल दे के बस। और एक चीज है, अगर आप एक्सेप्ट करो तो पक्का क्या? नहीं गुस्सा नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आंखें बंद, हाथ आंखें बंद। को ऐसा यहाँ पे रखो, अपने एल्बोज को टेबल पे, आंखें बंद, ठीक है, बिल्कुल। हाथ पकड़ो, ऊपर करता हूँ, ठीक है? हाथ को हाँ, सिर्फ हाथ पे किस किया मालती, नथिंग एल्स। और ये रहा आपका गिफ्ट, एक चॉकलेट और एक प्यारी सी ड्रेस जो कि उस बैग में ऑलरेडी पैक करके रख दी गई है। अब मेरे सामने ना खोलो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा दूर रखा है, ठीक है? वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी। आप खुद आके तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, रियली? क्यों, शैतान गई थी? वैसे इसकी तो लड़कियों को बहुत पसंद होती है वो। मैंने दूर इसलिए रखी क्योंकि आप मेरे सामने ना खोलो और मैं ना जान पाऊँ कि आपको पसंद आई या नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है घर पे जाके या फिर आप मेरे सामने तो बोल ही दोगे अच्छी लगी है, बट आप जब भी इसे बाद में खोलोगे तो प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू देना कि आपको पसंद आई या नहीं आई। अगर पसंद नहीं आई है तो मेरे मुंह पे मार रख एक बार, ठीक है? क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मेरी चॉइस पे भरोसा है कि वो कभी किसी को पसंद नहीं आ सकती, ठीक है? क्योंकि वो सिर्फ मेरी पसंद है। और जिस तरह मैं, आई मीन जिस तरह आप मेरी पसंद हो, मुझे ये भी पता है कि चाहे किसी और को पसंद हो या ना हो, बस ये मेरी पसंद है। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। वैसे आप झूठ बोलते हो। क्यों, आप रोमांटिक नहीं हो। क्यों? आप बहुत रोमांटिक बातें करते हो। नहीं, ये तो बस दिल से बोल रहा था, प्रिपेयर करके आया हूँ ना। तैयार करके? हाँ, मतलब बात इतनी सी है यार कि इसको अभी मत खोलना। वो दूसरे टेबल पे इसलिए रखिया था कि अब उसको घर जाके खोलो और मैं रिएक्शन ना देख पाऊँ, अगर पसंद नहीं आया होगा तो। सिंपल। ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं। मैं रोमांटिक नहीं हूँ, तो स्टॉप कॉलिंग मिलेगा। अरे मेरी नजरों से देखो ना, आप कितने रोमांटिक हो। मैं बस यही कह रहा हूँ ना, मेरी नजर से देखो ना आप कितने हसीन हो। सच्ची में? हाँ चलो, एक दूसरे का ऑपरेशन कराते हैं, अपनी अपनी आंखें एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर एक दूसरे की आंखों से देख लेंगे। मजाक कर रहा था यार। लो आ गया हमारा खाना, अब बैठो मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे ना सेल्फ सर्विस है, मुझे नहीं पता था, मैं उसको आवाज लगा रहा हूँ कि भाई दे दे, कहता कहीं का मोहन। तुम अब बैठो इधर, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ जी। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो ना, बहुत मारूंगी। और प्लीज लाइक, शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज कर दिया करो। और
लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।